सभ्यता के इस वृक्ष की जड़ों पर अगला आघात हुआ यूरोप से। 800 वर्षों के झंझावात के बाद भी भारत के सोने की चमक सुदूर यूरोप तक पहुंचती थी। जैसे आज भारतवासी अमेरिका की ओर दौड़ रहे हैं, वैसे ही उस समय यूरोपवासी इंडिया की ओर दौड़ते थे अपने नीरस और विपन्न जीवन को बदलने। धन की भूख ने उन्हें क्रूर बना दिया। व्यापार की अनुमति लेकर घुसे वास्को डिगामा ने कपट से लोगों को लूटा। इतना ही नहीं, क्रूर अत्याचारों द्वारा भारतीयों की आत्माओं का उद्धार शुरू कर दिया। गोवा में जिन यहूदियों को हिंदुओं ने संरक्षण दिया था, उनको भी नहीं छोड़ा, उन पर भी जुर्म किए और जबरन ईसाई बना दिया। ये मिस्र के राजा रामसेसे का शरीर है, इसके नाक में काली मिर्च मिली है, तमिलनाडु के तटों से रोम की वस्तुएं मिली है। हजारों सालों से चल रहे भारत के शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को यूरोपियनों ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय जहाजों को नष्ट करके जहाज उद्योग पर कब्जा कर लिया। पहले पुर्तगाली और डच आए और फिर आए अंग्रेज। मुगल साम्राज्य बिखर गया था, मराठा साम्राज्य की जड़ें जमी नहीं थी, उत्तर पश्चिम से आक्रमण हो रहे थे। ये मौका देखते ही अंग्रेजी कंपनी को सत्ता पर अधिकार करके खुली लूट का विचार आया। लेकिन अंग्रेजों में न लड़ने का साहस था और न ही संसाधन, इसलिए एक कमांडर को घूस खिलाकर भारत के सबसे धनी प्रांत बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही मिशनरीज भी बंगालियों की आत्माओं का उद्धार करने के लिए सक्रिय हो गए। लेकिन अंग्रेज अपनी लूट में कोई व्यवधान नहीं चाहते थे। The East India Company had a rule that we have come to India to make money and we have not come here for any other purpose. And if any missionary came, they would send him back by the next ship. So the missionaries had to convince Parliament to pass a law that they be allowed the right to convert in India. For that, they had to say that India was a land of sin and it had evil practices like sati and female infanticide. So they concocted figures of 1,50,000, God knows how many women immolating in Bengal. And it is very interesting that many English officials outside Bengal, they said this is not correct. But in any case, for whatever reason, the East India Company, the British Parliament gave the missionaries the right to convert in 1813. And soon after that, Lord Bentinck abolished Sati. And it is interesting that after the abolition of Sati, we do not hear of a single case of Sati in Bengal. Now, is it possible that if tens of thousands were immolating every year, that one suddenly, it's not that there was radio and mobile and what was the means by which they came to know, and such sudden and complete compliance with an official order is very difficult. Now, in the Ramayana and Mahabharata, for example, how many wives of Dashrath immolate themselves? How many wives in the Mahabharata, the Pandavas or Kauravas immolate themselves? The Mahabharata says that the widows performed ceremonies for them. So if you do a compilation, even of these ancient texts, the actual number is very small. Last part I want to make is that in independent India, around 40 cases of sati have been reported from different parts. 2/3 of these are from Rajasthan and not one from Bengal. So that gives basically a clue that the entire debate on sati was a missionary manufactured debate. भारतीय समाज की हर बुराई का कारण हिंदू धर्म है, ये मान्यता भारत में आज भी पाई जाती है। आज भी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, दास प्रथा और अमानवीय व्यवहार सबको केवल हिंदू धर्म में ढूंढा जा रहा है। जबकि दास प्रथा विदेशी थी,
वर्तमान जाति प्रथा भारत में सब रिलीजनों में है। निम्न जाति का मुसलमान या ईसाई उसी जाति का कहलाता है। अमानवीय व्यवहार पूरे विश्व में हमेशा था और है। केवल वर्ण व्यवस्था हिंदुओं में थी, वैदिक और श्रमण दोनों में। सन्यासियों का कोई वर्ण नहीं होता, लेकिन महावीर व बुद्ध स्वयं को क्षत्रिय कहने में संकोच नहीं करते थे। हिंदुओं की हर व्यवस्था उनके सृष्टि विज्ञान के आधार पर बनाई गई थी। वेद में वर्ण व्यवस्था सृष्टि रचना का विज्ञान है। सर्वव्यापी चेतना ने विश्व तो पैदा किया, लेकिन उसमें सब कुछ साधारण था। असाधारण उत्कृष्टता या विभूतियां पैदा नहीं हो सकी। तब ब्रह्म ने क्षत्र इस वृत्ति का उपयोग करके इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र जैसी विशेष शक्तियां पैदा कर दी। ब्रह्म वृत्ति से अग्नि पैदा कर दी, वैश्य वृत्ति से वसु और मरुत आदि गण पैदा कर दिए, शूद्र वृत्ति से पोषण करने वाली ये परम सुंदरी माता पृथ्वी पैदा हुई है, और विष्णु के सारे अवतार इसी की रक्षा करते हैं। ब्रह्म, क्षत्र, वैश्य और शूद्र से भी श्रेष्ठता पैदा नहीं हो सकी। तब धर्म की सृष्टि हुई। धर्म से ही श्रेष्ठता को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सब वर्ण धर्म का ही पालन करते हैं। धर्म सत्य ही है। धर्म के सहारे निर्बल भी बलवान को जीतने की इच्छा रखता है। यहाँ चारों वर्णों के लिए विष्णु नाम जप का फल बताया गया है। इससे ब्राह्मण को ज्ञान मिलता है, क्षत्रिय को विजय, वैश्य को धन और शूद्र को सुख मिलता है। शूद्र को सुख मिले ये कामना है, इसमें शोषण का प्रश्न ही कहाँ है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भगवान का पहला ही उपदेश यह है कि इस जगत में निराभिमानी, संयत, ज्ञानी और ब्रह्मवादी ब्राह्मण के समान दूसरा कोई नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में चारों वर्ण होते हैं, परंतु कोई एक प्रमुख होता है। जिसमें क्षत्रिय और ब्राह्मण वृत्ति प्रमुख है, वो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें संयम और तपस्या अधिक है। इसलिए बुद्ध केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्णों में ही जन्म लेते हैं। A prejudice that exists in India as well as in the West nowadays, in fact, is mostly borrowed by Westerners from India, where it is a very strong political movement to disparage Brahmins and to use the Buddha as a weapon against Brahminism, against Hinduism. So there the principle is, and you read 99% of the introductory books on Buddhism, they all start from this paradigm that anything good in Hinduism must have been borrowed from Buddhism. Anything bad in Buddhism must be a contamination from Hinduism. So the basic paradigm is the problem is Hinduism, the solution is Buddhism. Now, in the case of Buddhism, this is really strange. You see, the Buddha called himself Arya all the time. And this was the Arya Dharma and so on. Jainism, same thing. You see, if they wanted to rise up against the Aryans, why say Arya all the time? Also, Arya at that time connoted precisely the Vedas, the Vedic culture. So in Buddhism, you get the idea that, you see, what animated him was the idea to revive Vedic culture that had become decadent here and there. Certainly not that he was rising up against Vedic culture. Not if you go to the real sources. I mean, if you read the modern secondhand books, you might get that impression. But the reality is different. So anyway, they nonetheless managed to make the Buddha into some rebel against the vicious invader culture. बुद्ध क्षत्रियों के संरक्षक थे। ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिभा से उनकी दार्शनिक परंपरा को समृद्ध किया।
वैश्यों ने उनको बहुत दान दिया और शूद्रों ने बहुत सेवा की, संयमी बनकर पुनः आदर पाया। वैदिक व्यवस्था में भी शूद्र दलित नहीं था। शूद्र का देवता था पूषण। ये सूर्य के आदित्यों में से एक है, यात्रा, विवाह और पशुधन का रक्षक है। मौर्यों से पहले नंद राजा शूद्र थे। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शूद्रों के अधिकारों की रक्षा तथा सब वर्णों को योद्धा होने के लिए कहा है। भारत के इतिहास में हर वर्ण ने राज किया है। हिंदू धर्मशास्त्रों ने शूद्र का व्यवसाय शिल्प, सेवा और कृषि बताया है। उनमें और वैश्यों में व्यवसाय की समानता है। लोग अपने गुण या रुचि के अनुसार वर्ण बदलते थे। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की एक गतिमान धार्मिक व्यवस्था थी। विदेशी शासकों की अमानवीय गुलामी के कारण वर्ण व्यवस्था का मूल स्वरूप विकृत हो गया। ये बात निराधार नहीं है। बाली का हिंदू समाज विभाजित या खंडित नहीं है, वर्गीकृत और व्यवस्थित है। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता या कोई एक किताब नहीं थी। 100 से ज्यादा स्मृतियां थी, उसमें विरोधी विचार भी मिलते हैं। वर्णों के अंदर जातियां ऊंची नीची होती रहती थी। शास्त्रार्थ से निर्धारित हिंदू धर्म एक खुले स्थापत्य का अनुसरण करता है। हिंदू धर्म मूलतः ऋषि मुनियों से प्रचलित धर्म है। ऋषि अनेक थे, ऋषि का कोई वर्ण नहीं था, कोई जाति नहीं थी। वेदों के कई ऋषि उस समाज से आए थे जिन्हें आज अंत्यज माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों के भी सभी रचयिता ब्राह्मण नहीं थे। ऐतरेय ब्राह्मण के लेखक ऐतरेय, कवश, एलूश या जबाल वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे। रामायण के लेखक निम्न जाति में जन्मे थे। पुराणों के प्रणेता और प्रवक्ता ब्राह्मण नहीं थे। विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ लिखने वाले भगवान व्यास निम्न जाति की कन्या की संतान थे। उन्हीं की शिष्य परंपरा में ऋषि उग्रशर्वा और रोमहर्षण आदि सूत जाति के थे, जो आज के हिसाब से निम्न जाति है। पुराणों को नेमिषारण्य में सूत जी के मुख से 18,000 ऋषियों ने सुना था। सूत कौन थे? सूत जाति का यज्ञ से अनिवार्य संबंध रहा है। ये वास्तुवेत्ता थे। यज्ञ वेदिका के निर्माण के लिए नापने की डोरी या सूत्र हाथ में लिए रहते थे, इसीलिए नाम हो गया सूत्रधार। यही सूत नाटक के भी सूत्रधार हो गए, क्योंकि यज्ञ के समय वे ही अभिनय द्वारा आख्यानों का प्रस्तुतिकरण करते थे। नृत्य के लिए सूत को और गायन के लिए शैलूस को बुलाने का निर्देश है। सूत महाभारत और रामायण का भी मंचन करते थे। सूतों की बहुत प्रशंसा है। सूतों का सहयोग अनेक कारीगर और शिल्पी करते थे। नाटक में काव्य, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्ति कला का समावेश है। इसीलिए नाट्य शास्त्र सब कलाओं का रस शास्त्र है। यज्ञ और उसके साथ नाट्य एक वृहद आयोजन होता था। इसमें सभी जातियां जुट जाती थी। विभिन्न नृत्य शैलियां कथानकों से भरपूर रही है। कथक का अर्थ है कथा का कथन। यज्ञ और मंदिरों के विनाश ने कथक को कोठों पर और जातियों को निम्न अवस्था में पहुंचा दिया। यज्ञ से लेकर मंदिर तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जाति एक दूसरे की पूरक रही है। आज जेनेटिक अनुसंधान ने सिद्ध कर दिया है कि भारत की निम्न और उच्च जातियां एक ही है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि ब्राह्मण और अस्पृश्य एक ही जाति की संतान है। फिर अमानवीय व्यवहार कहां से आया? वो आया ग्रीक, अरब, तुर्क और अंग्रेजी शासन के प्रभाव से। अमानवीय व्यवहार की प्रेरणा दास प्रथा है और दास प्रथा भारतीय नहीं, विदेशी थी।
अभी हाल तक दासों को यूरोपवासी जानवरों की तरह चिड़िया घर में रखते थे, उनके बच्चे हमेशा के लिए उनसे दूर बेच दिए जाते थे, उनके परिवार नहीं हो सकते थे, वे जानवरों की तरह खरीदे बेचे और मारे जा सकते थे, छोटी छोटी गलतियों पर हाथ पांव काटे जाते थे। एक बाप ने काम पूरा नहीं किया तो उसकी बेटी के हाथ पांव काटकर उसको सौंप दिए। ये लाचार सुन्न नजरों से उन्हें देख रहा है। उसी व्यवस्था को पोषित करने वाले न्याय विशेषज्ञ आज भी पूरे विश्व में न्याय के देवता कहलाते हैं। आज भी उन्हीं को पढ़कर लोग न्यायाधीश और वकील बनते हैं। दास मालिकों की संतानें भारत को मानवाधिकारों पर उपदेश दे रही है। भारत में 40 साल तक ग्रीस के राजदूत रहे मेगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में दास होते ही नहीं है। ये बात 300 ईसा पूर्व की है। लेकिन भारत में दास तो थे, लेकिन वो मेगस्थनीज की नजर में नहीं आए क्योंकि भारतीय दास ग्रीक जैसे नहीं थे। कंडीशन इन विच somebody can become das, you cannot make das. A brahman was not allowed to become a das and he was not allowed to take anybody as a das, number one. Only for the physical survival you could accept das, to become das of somebody. Das means, suppose you have problem with physical survival because of time of famine, you don't have anything to eat, but I have enough, so you become my das. You come and say that I am your das. So as long as that famine condition remains, you work in the house, earn your livelihood, and once the famine condition is over, you are free to go back. If there is anything due, please pay and go back. Nobody could actually make you slave for all your life. And remember, it's an amazing thing. Slaves had the right of their own property. Slaves have the right of their own life. You could not take it away. Family, more than that, if there is a girl who has pledged herself as a das, owner had no right to have any physical relationship with them. In case he went for it, offspring will have the same right in the property as a real son, as a real wife's son. That kind of rights were given and protected, and more than that, Kautilya rights, Manu right, that if suppose food has been made ready, suddenly some guests drop in, so you have to adjust within that food. Manu ordains very clearly, Manu says, orders very clearly that no share will be reduced of das. He will get his full meal, rest would be divided in order to accommodate the guests. That kind of things were there. तीसरी सदी ईसा पूर्व से ग्रीक पश्चिम भारत के राजा बनने लग गए। शूद्रों के साथ निम्न व्यवहार के नियम तब ही बनना शुरू हुए हैं। आगे चलकर हिंदुओं को दास प्रथा के तुर्की और अंग्रेजी संस्कार मिले। शरिया के राज में हिंदुओं की सब जातियां दासों की ही तरह अपमानित होती थी। अंग्रेज भारतीयों से कुत्तों के बराबर व्यवहार करते थे। अफ्रीकन दासों के समान ही भारतीयों को भी निम्न कोटि की नृजाति समझते थे। कुछ अंग्रेज तो इतने क्रूर थे कि नौकर अगर पंखा झलने में सुस्ता जाता था तो उसे लातों से मारते थे। प्राय ऐसी मार से लोग मर जाया करते थे। मनुस्मृति ने शिल्पी के हाथ को पवित्र माना है। यज्ञ तथा मंदिर पर्यावरण के अभिन्न अंग पवित्र हाथों वाले ये कारीगर और शिल्पी ही मूल जातियां थी। जाति अर्थात ज्ञाति, जातियां दरअसल ज्ञातियां थी शिल्प कला और ज्ञान की। लेकिन इनमें बहुत बदलाव और विकृतियां आई है। मुस्लिम शासकों के मंदिरों पर विनाशकारी प्रभाव ने और अंग्रेजों द्वारा उद्योगों के विनाश ने जातियों को दलित अवस्था में पहुंचा दिया।
कारीगरों के साथ दासों जैसा व्यवहार हुआ। अत्याचारों से बचने के लिए बुनकरों ने अंगूठे काट लिए, कारीगरों ने आत्महत्याएं कर ली, भूख से मर गए। जो बात भारतीय समाज के बारे में मेगस्थनीज ने कही, वही बात 2200 साल बाद फिर कही मार्क्स ने। मार्क्स ने माना कि भारतीय समाज शोषण मुक्त है, परंतु पशु पक्षियों और पेड़ों को पूजता है, इसीलिए हम उसे नष्ट करेंगे और इसमें बड़ा मजा आएगा। सिर्फ मजे के लिए संघर्ष पैदा करने में आज भी मार्क्सवादी लगे हैं। जाति व्यवस्था में संघर्ष नहीं, सहयोग था। समाज का कोई कार्य एक दूसरे के बिना संपन्न नहीं हो सकता था। जातियों का अपने आर्थिक व्यवसाय पर एकाधिकार था। कुमारी घड़ा बना सकता था और कोई नहीं, चरमकार ही जूते बना सकता था और कोई नहीं। ये बात बहुत बड़ी है, और उससे बड़ी ये बात है कि सब समाज में आत्मसंतुष्टि के साथ रहते थे। एक जाति दूसरे के धंधे में घुसने की गिद्ध दृष्टि नहीं रखती थी। आध्यात्मिक ज्ञान के सब अधिकारी थे। चरमकार रैदास समाज में पूजनीय थे, राजपूत मीरा के गुरु थे। उनकी कठौती को गंगा के समान पवित्र माना गया है। लेकिन आज तक उपनिवेशिक मानसिकता के लोग और उनके गुलाम बुद्धिजीवी भारत की दुर्दशा का कारण भारतीय सभ्यता या हिंदू धर्म को मानते हैं। विवेकानंद को अमेरिका में कहा गया कि हिंदू धर्म के कारण ही भारत गरीब है, अगर वह ईसाई हो जाए तो अमीर हो जाएगा। विवेकानंद ने उनको दर्पण दिखाकर कहा, हम आपकी तरह किसी को मार कर अमीर नहीं बनना चाहते। नहीं चाहिए दूसरों के खून से सनी अमीरी, हम गरीबी अच्छे हैं। 20वीं सदी के अंत तक ये बात और भी फैला दी गई कि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण हिंदू धर्म है। लेकिन 21वीं सदी तक आते आते सत्य सामने आ गया। दुनिया भर में इस तरह की रिपोर्टें आने लगी थी कि भारत व चीन दुनिया के सबसे समृद्ध देश थे। यूरोप ने उन्हें लूटा और बर्बाद कर दिया। इस बात की सच्चाई जानने के लिए दुनिया के OECD देशों ने एक व्यापक अध्ययन की योजना बनाई। प्रोफेसर एंगस मेडिसिन की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई। उन्होंने विश्व GDP का इतिहास लिखना शुरू किया। जब रिपोर्ट आई तो पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। 34% हिस्से के साथ भारत विश्व का सबसे धनी देश रहा है, वो भी 1000 वर्षों तक बिना किसी को लूटे। विश्व इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं है। मुस्लिम लूटों और अशांति ने उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया। ब्रिटेन ने जब उसे लूटना शुरू किया, ठीक उससे पहले वह 24.5% हिस्से के साथ प्रथम ही था। 1800 में उसकी संपत्ति 20% हो गई, 1830 में 17% रह गई, 1880 में 8% और 1900 में सिर्फ 1.7%। सभ्यता का महल भरभरा कर गिर पड़ा। इंडस से इंडस्ट्री शब्द निकला प्रतीत होता है। जो समाज इंडस वैली सभ्यता से ही उद्योग प्रधान था, वही केवल 100 सालों में गरीब होकर कृषि प्रधान हो गया। अकाल पड़ा तो 1/3 जनता मर गई, फिर भी कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। किसान ने लगान कहां से चुकाया? किसानों ने हजारों पीढ़ियों का घर का सोना बेचकर लगान चुकाया। भारत के किसानों के घर का वो सोना आज भी लंदन की चमक बढ़ा रहा है, और हमारी सरकारें उस दुर्भाग्य से किसानों को निकालने का प्रयत्न कर रही है।
सोना चांदी खनिज अनाज यहाँ तक कि घास तक छीन ले गए अंग्रेज। एक कलेक्टर ने वायसराय को लिखा कि बरसात नहीं हुई है, अनाज नहीं बोया गया है, खेत में सिर्फ घास ही है, लगान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वायसराय के यहाँ से जवाब आया कि घास अच्छी चीज है, उसे बेचकर पैसा भेज दो। विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि जिसमें मानसून का सबसे ज्यादा पानी बरसता है, वहां अकाल पैदा कर दिए गए। करोड़ों लोग भूख से मरते रहे, भारत का अनाज एम्पायर की सेनाओं को जाता रहा। जो लोग अन्न को ब्रह्म कहते थे, भोजन को खाते नहीं ग्रहण करते थे। पहले गाय कुत्ता ब्राह्मण साधु दास और अतिथि को देकर बाद में ग्रहण करते थे, वे ही दाने दाने को तरस गए और उनकी देह को कुत्ते खा रहे थे। भारत की जनता मूलतः शाकाहारी है। जब तापमान 40 से ऊपर जाता है तो नमक के बिना जीवित रहना असंभव हो जाता है। नमक पर भारी टैक्स लगा दिया, उसे निर्यात करके अरबों कमाए। भारतीयों ने सोचा भी नहीं था कि कोई उन्हें इस तरह से भी मार सकता है। नमक की कमी से बच्चे गर्भ में मर गए। अंग्रेजों ने भारत में अकाल पैदा कर दिए। केवल 120 साल में 31 बड़े अकाल पड़े। छोटे छोटे अकाल लगभग हर साल पड़ते थे। इन अकालों में कई बार करोड़ों की संख्या में लोग मरे। अंतिम 1943 में पड़ा, जिसमें 40 लाख लोग मर गए। उस समय ऐसा लगा कि पश्चिम के मानवीय सिद्धांत, पश्चिम की अधार्मिक सभ्यता पर एक मासूम मुखौटा है। पृथ्वी का हर भाग सुंदर और अद्वितीय है। धरती के पर्यावरण का प्रभाव मानव के आचार और विचार पर पड़ता है। इसीलिए सब भागों में रहने वाले मानवों की एक अद्वितीय सोच रही है। सबकी अद्वितीय वैचारिक पहचान मानवता को विविधता और सौंदर्य प्रदान करती है। भारत की एक अद्वितीय पहचान यहाँ धर्म की विचारधारा रही है।